हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू एवरीबॉडी। आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसमें पेज नंबर 24 ओपन करना है। कौन सा पेज नंबर? पेज नंबर 24। तो टेक्स्ट बुक ओपन करनी है, उसमें पेज नंबर 24 ओपन करना है। यहाँ पे है WH वर्ड्स, मतलब ये जो ऑल वर्ड्स है उसके आगे WH दोनों लेटर है ना। लुक एट द पिक्चर, ट्रेस इट्स नेम एंड सर्कल WH। तो यहाँ पे आपको ये जो पिक्चर है उसको देखना है, समझना है, और उस वर्ड्स को आपको ट्रेस करना है, और लास्ट में WH पे सर्कल करना है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, तो कि उसको ट्रेस करना है। तो ये किसका पिक्चर है? वेल। क्या है वेल? जो दरिया में होती है ना बड़ी सी मछली, फिश, उसको बोलते हैं वेल। क्या बोलते हैं? वेल। तो ये वेल है। उसके बाद है वेट। क्या है वेट? वेट का मतलब आप जो गेहूं खाते हो ना, परोठा खाते हो, रोटी खाते हो, वो जो गेहूं है ये इसका पिक्चर है। अंडरस्टूड? ये गेहूं का पिक्चर है, उसको बोलते हैं वेट। उसको बाद है व्हील। क्या व्हील? व्हील आपको पता है, कार का व्हील होता है, साइकिल का व्हील होता है ना, ये वो व्हील है। अंडरस्टूड? उसके बाद है व्हाइट। व्हाइट मतलब ये जो कलर दिखाई देता है, ये जो है उसको, व्हाइट जो कलर आता है उसको बोलते हैं व्हाइट। तो उसको भी आपको ट्रेस करना है, और ये है व्हाइट का स्पेलिंग। अंडरस्टूड? उसके बाद है ये विसेल। क्या है विसेल? तो ये स्पेलिंग विसल का है। अंडरस्टूड? उसको बजाने से बहुत ही अच्छा उसका साउंड होता है। उसके बाद है ये विस्कर। क्या है विस्कर? विस्कर मतलब इसकी ये जो मूछ है ना, मूछ, उसको बोलते हैं विस्कर। देखो उसने पकड़ के रखी है, देखो, है ना। ये है कैट। कैट का पिक्चर है, लेकिन आपको क्या समझना है? विस्कर। विस्कर मतलब ये जो मूंछ है उसकी, उसको बोलते हैं विस्कर। ओके? उसके बाद है रीड अलॉड, मतलब आपको क्या करना है, ये जो वर्ड्स है उसको रीड करना है और उसको समझना है। अंडरस्टूड? देखो, रीड अलॉड। हु, वाई, वॉट, वैन, वेर, विच अने हुस। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे आपको WH पे पहले सर्कल कर देना है, ओनली फॉर W और H। ओके? तो ऐसे आपको सर्कल कर देना है। उसके बाद ये आपको समझना है हु का मतलब कौन। हु का मतलब कौन? वाई। वाई का मतलब सा माटे, जैसे कि वाई आर यू क्राइंग, सा माटे रडू छू। अंडरस्टूड? एवी रीतना। व्हाट, व्हाट एटले शू। व्हाट इज धीस, आ शू छे। अंडरस्टूड? એટલે वो जो शू आता है उसको बोलते हैं व्हाट। व्हेन, व्हेन मतलब क्यारे, टाइम बतावे छे। अंडरस्टूड? वो व्हेन का मतलब क्यारे, जो टाइम दिखाने में उसका यूज होता है। वेर, वेर इटले क्या, लोकेशन बताते हैं। वेर, वेर यू गोइंग मतलब आप कहाँ पे जा रहे हो। विच, विच मतलब क्या, कई, कयो। अंडरस्टूड? कयो, कई, कयो, कोई वस्तु माटे वपरातू हुए त्यारे विच वपराय छे। पची छे हुस। क्या है हुज? हुज का मतलब कौन। हु इज दिस, आ कौन छे। अंडरस्टूड? हु इज दिस, कौन એટલે આ કોનું છે। અન્ડરસ્ટૂડ? તો ઇન સભી વર્ડ્સ કા વો મીનિંગ હોતા હે, જૈસે કે હુ મતલબ કોણ, વાય એટલે ક્યારે, સા માટે, વાય મતલબ સા માટે, વોટ મતલબ શું, વેન એટલે ક્યારે, ટાઈમ બતાવવા માટે વેન નો યુઝ થાય છે। વેર, તો વેર મતલબ ક્યાં, લોકેશન બતાવે છે।
वेर यू इज गोइंग, क्या जाओ छो, अंडरस्टूड? विच, विच का मतलब क्यों, कई, कयू, कोई वस्तु माटे वपराय छे, अने हुज, हुज मतलब कौन, हु इज धीस, कशु भी रही गयो हो के आपने तमारी पासे हो तो के आ कौन छे, એવું બોલો છો ને, કોનું મતલબ હુ ઇઝ. ઓકે, સી ધ પિક્ચર્સ એન્ડ કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સ ઇઝ યુઝિંગ ધ ગિવન વર્ડ્સ. મતલબ યે જો સેન્ટેન્સ ઉસકો આપકો કમ્પ્લીટ કરના હૈ, લેકિન યે જો પિક્ચર હૈ ઉસકો આઈડેન્ટિફાઈ કરના હૈ, સમજના હૈ, ઓર ઉસકે બાદ આપકો ઉસકા રાઈટ આન્સર લિખના હૈ. તો આપકો યહાં પતા હૈ કે યે વેલ હૈ, તો વેલ કા સ્પેલિંગ ક્યા હૈ, WHALE, ક્યા હૈ, WHALE. तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये स्पेलिंग आपको आना चाहिए, है ना? तो उसके लिए आपको पहले, सबसे पहले उसको नोटबुक में लिखना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, नोटबुक्स में लिखना पड़ेगा. तो यहाँ पे आपको लिखना है CW, फिर पेज नंबर 24. उसके बाद आपको वो स्पेलिंग लिखना है. ओके, तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देनी है ऐसे, तो 4 टाइम ये ऑल वर्ड्स लिखना है ऐसे, बोल बोल के लिखना है के WHALE, वेल, WHALE, वेल, WHALE, वेल, WHALE, वेल. उसके बाद है WHEAT, वेट, वैसे ही आपको 4 टाइम लिखना है. उसके बाद है विल, WHEEL, विल, वो भी आपको 4 टाइम लिखना है. वैसे वाइट, अंडरस्टूड? फिर विसल, क्या लिखना है, विसल, बोल के लिखना है. उसके बाद है विस्कर. ओके, तो ये स्पेलिंग आपको 4 टाइम लिखना है. उसके बाद ये नीचे वाले हैं रीड अलॉट, उसको रीड ही करना है, लेकिन वो भी हम यहाँ पे लिख लेंगे. ओके, तो हु, वाई, वॉट, उसका प्रोनाउंसिएशन नीट एंड क्लीन करना है. ओके ना, तो वैन, फिर वेयर, फिर विच, और लास्ट में एक बचता है तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे. ओके, उसके लिए हम नया पेज लिखेंगे, नहीं यहीं पे लिख लेंगे. अंडरस्टूड बच्चों? तो ऐसे मेरे जैसे आपको लिखना है. ये कर लेने के बाद आपको ये करना है तो आपको आएगा. जैसे कि आपको मैंने समझाया कि वेल, तो वेल का स्पेलिंग आपको पता है, तो उसको यहाँ पे ढूंढना है. ये है हेल्प बॉक्स. ओके, तो आपको क्या करना है, ढूंढना है. तो आई सो अ बिग, तो क्या है, तो कि वेल, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है वेल. ओके, वो लिख लिया तो उसको क्रॉस कर दो. उसके बाद है माई टीथ आर फिलिंग द ब्लैंक्स, तो टीथ कैसे होते हैं, तो के वाइट, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है वाइट, तो वो आ गया तो उसको भी कर दो. आई कैन रोल अ, तो ये किसका पिक्चर है, तो के व्हील का, तो आपको यहाँ पे लिखना है व्हील. ओके, तो वो आ गया. तो आई सो अ बिग व्हेल, मतलब शू करू, सो एटले जो, हूँ मैं शू जोयू, तो के मोटी वेल जोई. माई टीथ आर व्हाइट, मारा दांत केवा छे, व्हाइट छे. आई कैन रोल अ व्हील, हूँ शू करू छू, तो के व्हील ने रमू छू. रोल एटले गोल गोल तमे रमो छो ना लाकड़ी वड़े, ए रीते व्हील ने. आई कैन रोल अ व्हील. ओके, तो ऐसे आपको ये करना है. ओके बच्चों, गुड बाय.